न्यूज़ में आपका स्वागत स्वागत है। ये हमारे सामने जो है निकोबार के मौलवी साहब और इमाम साहब है। आज जो है ईद उल फितर की जो जश्न और खुशी के मौके पर आज विजय हॉस्पिटल में कार निकोबार में जो है बिरयानी और लंच जो है पैकेट बांटा जा रहा है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। बताइए आप, ये क्या कहना है आपका इस बारे में? सबसे पहले तो पूरे अंडमान निकोबार द्वीपवासियों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। और हमारा ये जो कदम जो उठाना है कि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर में भी जो लंच का जो हमने प्रोग्राम रखा है, वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे अंदर में जो भाईचारगी है उस भाईचारगी को हमको बरकरार रखना है कि देश के अंदर में जो हमारी जो एकता है, क्योंकि हमारी अनेकता में ही एकता है, इसी को बरकरार रखने के लिए यह हमारा छोटा सा कदम है। बस इसी के साथ में आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत बड़ी शुभकामनाएं। मौलवी साहब, ठीक है, जो है आज जिस तरह से आप देखे कि जिस तरह से आज बांटा गया है, अच्छा लंच का जो पैकेट है, तो मेरा ये कहना है कि ये बेशक जो है इंसानियत और जो है कार निकोबार के अंदर में जिस तरह से हमारा माहौल बना है वो बरकरार हमें हमेशा बरकरार रहेगा। तो ये जो रिपोर्ट जो है मोहम्मद सईद की तरफ से आप तक न्यूज़। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।